तो देखिए ये है कसार देवी मंदिर, विश्व का तीसरा ऐसा स्थान जो चुंबकीय स्थान माना जाता है। एक अमेरिका में है, एक इंग्लैंड में है और एक भारत में है। यहाँ पर विश्व के जाने माने साहित्यकार, जाने माने साइंटिस्ट, नासा के भी और अन्य भी, विवेकानंद ने भी यहीं साधना की है और लामा जो उन्होंने भी यहाँ पर साधना की है। और यहीं पर माँ पार्वती ने शुंभ और निशुंभ का वध किया था, यहीं से दुर्गा का अवतार लेके माँ पार्वती के नाम से ये मंदिर। फिलहाल चढ़ रहे हैं कसार देवी मंदिर पर और ये चढ़ाई है बहुत ऊंची हिमालय की, यहाँ गाड़ी जा नहीं सकती ऊपर। और ये देखिए नीचे गाड़ी खड़ी करके, और भाई अभी से दम उखड़ रहा है और बहुत ऊंचाई है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर पैरों में दर्द करने लग जाता है पैर और सिर घूमने लग जाता है। विश्व का ऐसा पहला क्षेत्र है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों ने साधना की, माँ कसार देवी का मंदिर। सुनील दास भी यहाँ साधना की रहते हैं भाई। हाँ हाँ, ये देखिए रेडिएशन, रेडिएशन किसे कहते हैं। और यहाँ पर रेडिएशन का कितना क्षेत्र है। विश्व में सिर्फ तीन ही जगह ये ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो उत्तराखंड का महत्वपूर्ण मंदिर माँ कसार देवी, और दूसरा अमेरिका में और तीसरा इंग्लैंड में। विश्व में तीन ही ऐसी जगह हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार वैन एलन बेल्ट एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, वो जो एनएल बेल्ट के प्रभाव में जो है विद्युत चुंबकीय, ये अमेरिका में है शायद, माचू पिच्चू। हाँ माचू पिच्चू की पहाड़ी। हाँ स्टोनहेंज यूके। हाँ और तीसरा यहाँ उत्तराखंड की कसार देवी मंदिर, उन तीन स्थानों में से एक है जो वैन एलन बेल्ट के प्रभाव क्षेत्र में आता है। मतलब ब्रह्मांड से और कॉस्मिक रेज आई थी, वहाँ आई टकराई और ट्रैप्ड हो गए, फिर निकल नहीं पाए। हमारे तो सर आप इसके बारे में क्या जानते हैं? अच्छा, जी 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 जी, जी। बताइए क्या जानते हैं इसके बारे में, यहाँ पर जब ये जो तीन विश्व की प्रसिद्ध स्थल बताए हैं इनके बारे में क्या जानते हैं? जी कॉस्मिक रेस जो कि ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं, वो आती हैं और जो टकराती हैं और पृथ्वी पर, अपने पृथ्वी पर तीन ऐसी जगह हैं सिर्फ पूरे ब्रह्मांड से जो कॉस्मिक रेज आई वो तीन जगह ट्रैप्ड हो गई, जिसको चार्ज पार्टिकल्स कह सकते हैं और जिसको आप चुंबकीय तरंगे कह रहे हैं। तो ये तीन जगह पे हैं, एक है स्टोनहेंज यूके, एक है माचू पिच्चू की पहाड़ी पर्वत पे और एक तीसरा उत्तराखंड के इस कसार देवी मंदिर में। तो यही हमारे सनातन की बहुत महानता है कि हम लोग जिस उल्का पिंड कहते हैं, जो नासा ने अभी खोज निकाला, वो उस उल्का देवी मंदिर इसी के नीचे एक किलोमीटर नीचे पड़ है। तो हम लोगों के सनातन की यही एक खूबी है कि हम लोग तरंगों को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे साधु संत यहाँ बहुत साल पहले ही आकर, विवेकानंद जी ने यहाँ पे गुफा है जहाँ बौद्ध के अनेक संतों ने की, लामा दलाई लामा यहाँ पर आए और काफी सारे साइंटिस्ट जो कैम्ब्रिज के यहाँ पे आके शोध करता करते हैं, जो कि नासा के साइंटिस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो नासा के साथ, तो आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ, मयंक शेखर उपाध्याय। जी जी धन्यवाद, काफी जानकारियाँ रखते हैं जी जी, साइंस में अच्छी ज्ञान नॉलेज है आपकी। तो आइए मैं आपको अभी यहाँ पर जो ये देखिए भाई हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर, ये धामी जी गए थे,
जागेश्वर धाम में, और ये धामी जी जागेश्वर धाम में पहुंचे हैं अभी। तो देखिए ये है कसार देवी मंदिर, विश्व का तीसरा ऐसा स्थान जो चुंबकीय स्थान माना जाता है। एक अमेरिका में है, एक इंग्लैंड में है और एक भारत में है। यहाँ पर विश्व के जाने माने साहित्यकार, जाने माने साइंटिस्ट, नासा के भी और अन्य भी, विवेकानंद ने भी यहीं साधना की है, और लामा जो बौद्ध धर्म के, उन्होंने भी यहाँ पर साधना की है। और यहीं पर माँ पार्वती ने शुंभ और निशुंभ का वध किया था, यहीं से दुर्गा का अवतार लेके माँ पार्वती के नाम से ये मंदिर है कसार देवी। और इन्हीं की पूजा अर्चना करने के लिए आज हमारे साथ हैं महंत कहें, बाबा कहें, गुरु कहें, महाराज कहें, सोमवीर जी यानी कि राधा रानी माँ ही संत आश्रम वृंदावन से, और उनके शिष्य हैं परम शिष्य सुनील जी, भगत सुनील जी बहादुरगढ़ से, और इनके साथ हैं इनके परम सेवक भाई जोगिंदर सिंह, और हमारे कैमरामैन फिलहाल हैं इनके ही सेवक भाई बबलू, और एक माँ आपके साथ पांच बंदों की ये जो है। तो अंदर भाई नहीं बना सकते, और आगे लेंगे शायद हम, ये इस बार से दिखा सकते हैं हम इधर से। आइए मैं तब तक आपको वो चुंबकीय क्षेत्र दिखाता हूँ। ये देखिए इधर ये पूरा हिमालय की श्रृंखला है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है इधर, ये पूरा हिमालय है, और हिमालय की चोटियाँ यहाँ से साफ दिखाई देती हैं सामने। ये सूर्य थोड़े बादल हैं, धुंध है, इस कारण थोड़ा हल्का दिखाई देता है ये बिल्कुल। ये देखिए ये यहाँ पर उत्तराखंड का यानी कि ये थोड़ी दूर चीन का बॉर्डर पड़ता है, यहाँ से चाइना बॉर्डर भी थोड़ी दूर है, और यहाँ पर साधना का सबसे बड़ा केंद्र है ये। और इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े शोधकर्ता यहाँ पर आते रहते हैं। और यहाँ पर ऐसा चुंबकीय प्रभाव है कि आदमी को यहाँ पर कई बार क्या होता है, जब दबाव ज़्यादा हो जाता है तो चक्कर से आने लग जाते हैं आदमी को, और कई बार ऐसा हल्का फुल्का महसूस करता आदमी जैसे हवा में उड़ रहा है। ध्यान लगाते हैं यहाँ पर तो तरंगे अपने आप, क्योंकि हिमालय से सीधा शिव से सीधा ही यहाँ से संपर्क होता है। और यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए सबसे बढ़िया जगह विश्व की ये है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान मगन होने के पश्चात किसी भी चीज़ की, कोई भी दूसरी तरह की किसी तरह की आवाज़ें यहाँ पर नहीं सुनाई देती हैं। कहते हैं सर्वप्रथम यहीं से दुर्गा का अवतार, महाकाली का अवतार लेके राक्षसों का वध करने के लिए निकली थी। और इसी को ये नीचे दिखाऊँगा, एक बार काफ़ी ऊपर से नीचे से यहाँ ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के आना पड़ता है। और यहाँ पर जब चढ़ते हैं तो क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत है, पेड़ पौधे बहुत हैं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी महसूस करते हैं लोग, दम उठने लग जाता है आदमी का, चढ़ते चढ़ते थकान महसूस हो जाती है। अब ये देखिए भाई चढ़ के आया, मैं भी चढ़ के आया हूँ, तो वास्तव में ऐसा लगता है कि अब चढ़ाई तो हम हमेशा चढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थकान ऐसा दम उठने लग जाता है। हाँ यहाँ तो है कुछ, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन और यहाँ पर कैसा प्रभाव है चुंबक का। हाँ स्वाभाविक है, यहाँ बिल्कुल है माता जी का कृपा है। और यहाँ ऑक्सीजन हमको लग रहा है कम है। जवान जवान लड़के हाँफ रहे हैं, थोड़ी दूरी की बात है, क्या लगा, कैसा लगा आप नीचे से ऊपर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ दबाव महसूस किया पैरों में, ऐसे जैसे थकान सी दम सा उठने। हाँ हाँ, तो देखिए आप कहाँ से हैं सर? जी मैं हूँ गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये माता जी का प्रभाव है कि आज यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ ध्यान लगाया। और एक ऐसा केंद्र है कि जो दुनिया का में ग्रेविटी का एक पहला स्थान है कि जहाँ सारे वैज्ञानिकों ने शोध भी कर लिया ग्रेविटी कैसे है, मगर ये चीज़ हमको अच्छा लगता है कि भारत में एक ऐसा जगह है कि जहाँ तीन ही जगह है, एक अमेरिका में, एक इंग्लैंड में, एक भारत में, जो आज अल्मोड़ा में है। और हमें गर्व होता है कि भारत में ऐसा भी जगह है। जी बिल्कुल, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही ये स्थान है, माँ कसार देवी हिमालयन, हिमालयन बोलते हैं कि हिमालय की श्रृंखला, मेरे हिमालय का ये सामने दर्शन है, हिमालय का ये सारा। तो आगे बहुत संकरे और संकीर्ण रास्ते हैं, मैं बात कराऊंगा यहाँ पर आप लोगों को, हमारे साथ यहाँ लगातार आते रहते हैं वो भक्त सोमवीर जी भी आए हुए हैं और वो यहाँ हमें साथ ही रहते हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। इधर मैं दिखा देता हूँ, उधर वो मंदिर जो है वो शिव मंदिर है इनके ऊपर, यहाँ नीचे थोड़ा सा पार्वती जी का मंदिर है ये, और यहाँ शिव और पार्वती, वो जो ऊपर सामने दिखाई दे रहा है वो देखिए वो शिव का मंदिर है, वो ऊपर वो शिव का मंदिर है, वहाँ निवास था माँ पार्वती और शिव का, यहीं सबसे शिखर की चोटी है ये, चारों तरफ घाटियाँ हैं घाटियाँ, सबसे शिखर की चोटी के ऊपर शिव विराजमान माता पार्वती के साथ थे, और यहीं से गुस्से में
और अपना विकराल रूप धारण करके यहाँ आई माता रानी, और यहाँ से अपना काली का रूप धारण करके राक्षसों का संहार करने के लिए चली गई थी। तो यहीं इसी पर जब से यहाँ पर ऐसा वातावरण है कि आदमी का ध्यान योग सब कुछ यहाँ पर लगता है, और चुंबकीय क्षेत्र है ये जो विश्व में तीन ही जगह पाया जाता है। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल पर्वत के शिखर पर। ये देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, उस साइड सामने हिमालय का, और ये शिव मंदिर एवं विवेकानंद ध्यान केंद्र। ये देखिए यहाँ पर सबसे शिखर की चोटी है, और ये सामने ही सब ये यहाँ पर मनोकामना मांगी जाती है अपने लिए, सभी लोग मनोकामना मांगते हैं यहाँ पर। तो ये है भाई शिव का सबसे ऊंचा मंदिर, मेडिटेशन का स्थान। यहाँ पर ध्यान में बैठे हुए लोग, ध्यान योग में बैठे हुए लोग, मेडिटेशन का सबसे प्रभावशाली चुंबकीय क्षेत्र है ये। और भाई ऊपर चढ़े हैं और भी ऊपर, तो इधर ये अद्भुत नज़ारा है, और सामने है ये हिमालय की श्रृंखला है। ये देखिए सामने बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, हिमालय का ये धुंध होने के कारण नहीं साफ दिखाई देता है, अभी शाम का समय है इस कारण बरसात हुई है और ये वाष्प से ढका हुआ सब कुछ। तो आइए ये देखिए भाई, इसके आसपास कोई भी ऐसी चोटी नहीं जो इससे ऊंची हो। सबसे ऊंचे शिखर के ऊपर शिव धाम बना है, ठीक इसके नीचे माँ कसार देवी। और ये देखिए यहाँ पर बैठने की अच्छी, मेडिटेशन की अच्छी जगह, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। और भाई बाबा बोला तो देख लो, ऐसी जगह ढूंढा करता, उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। तो भाई फिलहाल हम बैठे हैं माँ कसार देवी उत्तराखंड में, और सबसे ऊंची चोटी के ऊपर, सबसे शिखर में, और यहाँ शिवजी महाराज का जो शिवलिंग है उसके सामने हमारे पास बैठे हैं भक्त सुनील दास, और हमारे बीच में बैठे हैं महाराज सोमवीर जी जो राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन के संचालक हैं, और हमेशा आते रहते हैं। हम तो पहली बार आए हैं भाई, ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि चढ़ते चढ़ते सांस फूल गए, अभी तक सांस दम जो है नहीं टिका है। और यहाँ मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए लोग आते हैं, और यहाँ भी साधना के लिए आते हैं। इसीलिए आप लोग कहते हैं ना कि साधना नहीं लगती, बाबा जी के दर्शन नहीं हुए, ये ऐसे ऐसे प्रयास करते हैं इसलिए इनको बाबा जी के दर्शन होते हैं, इसलिए इनको शिव के दर्शन होते हैं। और इसलिए आप भी इसी प्रकार साधना में, आप लोगों की मनोकामनाएँ लेके, आप लोगों के विचार और भावनाएं लेकर यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले तो जय शंकर की, शिव शंकर भोले भगवान की, और बाबा बर्फानी की जय। जय राधे राधे जी। तो आप यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं, कब कब आते हैं, बताएंगे मेरे भक्तों को यहाँ आने से क्या महसूस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल से सभी भारतवासियों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हम लोग लामा साहब यहाँ काफ़ी दिन से आ रहे हैं माता रानी के चरणों में दर्शन के लिए, ये एक साधना के लिए, क्योंकि हमारे बड़े बड़े ऋषि तपस्वियों ने यहाँ पे साधना की है। हम तो एक निमित्त पात्र हैं, यहाँ सिर्फ हम एक मत्था टेकने आते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, बस एक जग कल्याण के लिए आते हैं हम यहाँ पे जी। तो सुनील जी महाराज जी हैं ये जो आपके शिष्य हैं, तो इनको भी आप अपने साथ लाते हैं, तो आज ये अब तो ये परिपूर्ण हो गए होंगे अपने आप। जी जी हाँ, ये साधना के लिए आते रहते हैं यहाँ। अच्छा। साधना के लिए आते रहते हैं, साधना करके जाते हैं बैठ के, चाहे दो मिनट करें या पाँच मिनट करें, तो वो कोई 700 किलोमीटर के लगभग जगह पड़ती है। तो आप महीने में आते हैं लगभग? लम्बा साहब मैं आपको एक बताऊँ, जो ये आज की पवित्र यात्रा है, पवित्र यात्रा हम गए हैं, जैसे जागेश्वर धाम गए हैं, वृद्ध जागेश्वर धाम गए हैं, चिट्ठियों वाला जो मंदिर था, गोलू मंदिर था, चितई गोलू मंदिर, और जैसे अब कसार देवी मंदिर पे गए हैं। इसकी व्यवस्था एक हमारे जेई साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा, वो मना करते हैं, पूरी व्यवस्था प्रसाद से लेकर के हर तरह की व्यवस्था उन्होंने की है। मैं यहाँ कसार देवी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनको दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति कराती रहे माता रानी जी। हम भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मैं उन जय साहब से मिला हूँ, भंडारे लगाते रहते हैं वो,
क्योंकि उनको बाबा देते हैं और सब कुछ उन्हीं का दिया मानते हैं, कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ, और यदि भगवान का दिया हुआ हम वितरित कर दें प्रसाद के स्वरूप तो भगवान दुगुना देता है, हजार गुना देता है, ऐसा मानना है, ऐसा वास्तव में सच भी है। लेकिन क्या है कि हम सिर्फ अपने दिखावे के लिए किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में या किसी धाम पे जाते हैं अपनी प्रशंसा करवाने के लिए, ये दिखाने के लिए, रील बनाने के लिए या कुछ करने के लिए, साधना के लिए, भगवान से मिलन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम कहीं नहीं जाते हैं। ये खास बात है, किसी भी मंदिर में जाते हैं तो कुछ प्राप्त करने के लिए जाते हैं, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जाते हैं कि भगवान मेरा ये दर्द है ये ठीक कर दे, मेरे को ये समस्या है ये ठीक कर दे। कोई भक्ति करने या अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कहीं नहीं जाता है। जिस दिन इंसान पापों का प्रायश्चित करना, अपने कहे भगवान मेरे पापों का फल जो भी है मुझे देना है वो दीजिए और मेरे जन्म सुधर जाए, मेरे पिछले कर्मों को माफ़ करें, मैं आगे आपकी भक्ति करूँगा, ऐसे सोच के कभी नहीं जाता, माफ़ी मांगता ही नहीं भगवान से। वो सिर्फ अपने स्वार्थवश जाता है कि मुझे यहाँ धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, हर अपनी समस्या लेके जाता है उसके सामने। और वो समस्याएँ किसकी दी होती हैं? वो समस्याएँ भगवान की दी होती हैं, हमारे कर्मों का फल होता है और उनका प्रायश्चित हम कर नहीं पाते हैं, दुगने और पाप चढ़ा लेते हैं, दुगने और कर्मों का विनाश कर लेते हैं हम, क्योंकि वहाँ जा करके हम ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और भावनाएं जो हमारी घूमने की प्रवृत्ति होती है, किसी होटल में रुकते हैं, कैसा तामसिक भोजन करते हैं, ये मतलब हर तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके परे जाके हम हर धाम में जाते हैं। यदि सच्चे शिव और सच्ची आत्मा से आप किसी मंदिर में जाते हैं तो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जाइए, जिस प्रकार भक्ति साधना के लिए आते हैं तो भक्ति साधना में लीन होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए और किसी भावना के वशीभूत नहीं होना चाहिए। इंसान स्वार्थ छोड़ के किसी भी धाम में जाएंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे, आपकी हर समस्या का समाधान होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। 35 साल से लगातार मैं ऐसे ही पत्रकारिता कर रहा हूँ, ऐसी धामों की यात्रा करवाता रहता हूँ। ये यूट्यूब तो अभी चली है भाई, और ये वीडियो तो अभी चली है, इंस्टाग्राम फेसबुक उस समय से लगाया हुआ, जब अखबारों में आपके लिए निकालता था, मैं लेख लिखता था तो उस समय से लगाया हुआ हूँ, तो मेरी भावनाएं हैं ये जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए मैं इतनी इतनी दूर चल के आता हूँ। कोई भी पागलपंथी में यहाँ नहीं आता, और जो घूमने मात्र से आता है उसको नहीं आना चाहिए, अपने पैसे व्यर्थ नहीं करने चाहिए, अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इन धामों में वही लोग आएँ जो सच्ची भावना से, श्रद्धा से, विश्वास से भगवान का नाम लेने की भक्ति भावना से साधना करने के लिए आए, या घूमने के लिए, और जो विदेशी लोग पर्यटन के रूप में आते, ऐसे नहीं। पर्यटन का अलग सिस्टम है, यदि आप किसी धाम में, हमारे सनातन धर्म के किसी भी धाम में जाते हैं, बहुत ही श्रद्धा से, बहुत नाजुक सी दीवार है, बहुत नाजुक सी, बिल्कुल हल्का सा कांच है ये श्रद्धा का, और ये बना रहे तब तक पूरा पर्दा है, और इस पे ठेस लग गई तो कभी ये दीवार दोबारा खड़ी होगी नहीं। लामा साहब, आप कहते हो कि मेरे पास लोगों के कमेंट आते हैं कि जो बाबा अमर सिंह बर्फानी की साधना ले लेता है उन्होंने अपने देवता छोड़ने पड़ते हैं, कुल के देवता छोड़ने पड़ते हैं। अब आप तो सब कुछ देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। जी जी, इनकी वीडियो थी एक, तो लोगों ने कमेंट किया क्या हम बाबा बर्फानी की साधना ले लें तो क्या हमें और देवताओं की जो ये छोड़ने पड़ेंगे, अकेला इसी का नाम लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो भाई सभी धर्मों, सभी देवताओं को मानते शिव को ही ज़्यादा, सबसे शिव सर्वोपरि, शिव का अवतार जो बाबा बर्फानी, और शिव की जो चीज़ें हैं, शिव से परे क्या है, कुछ भी नहीं है। और ये हमेशा हर धाम में जाते हैं, आपको इनकी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ भी पूरे भारत के अंदर जाते हैं, नेपाल तक ये जाते हैं, और मैं इनके लगभग वीडियो में दिखाता रहता हूँ जब कभी इनके साथ होता हूँ, नहीं तो मैं जाता हूँ तो बताता रहता हूँ कि हाँ वो आए हैं। तो आपको तो सिर्फ साधना करनी है, भगवान से जुड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, हाँ बाबा की कृपा पकड़नी है, बुरे कर्म छोड़िए और कुछ नहीं छोड़ना, बाबा की कृपा पकड़, बुरे कर्म छोड़िए, बुरी आदतें छोड़िए, बुरे जो व्यसन है वो छोड़िए, और किसी देव को क्यों छोड़ते हैं, देव सभी समान है, किसी भी धर्म का देव है वो सभी समान है, उसी की कृपा है, सभी शिव की कृपा से चलता है, तो इसलिए किसी देव को छोड़ना नहीं है, सबसे जुड़िए। ये इंसान भी देव तुल्य है, ये भी देव है। जय हिंद, नमस्कार, जय शिव शंकर भोले भंडारे, जय भारत।